हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के इंटरव्यू के सेशन जो है वो चल रहे हैं, तो उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए नए स्टूडेंट से आपको आज बातचीत करवाएंगे। थोड़ा सा रिव्यू लेंगे, ठीक है। हमारे साथ आज नए स्टूडेंट जुड़े हैं, सुष्मिता। तो वो बताएंगे कि किस तरह से उनका जो है स्ट्रेटेजी प्लान रहा ड्यूरिंग द बीकॉम ग्रेजुएशन, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी। ठीक है, तो वेलकम करते हैं सुष्मिता का। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो सबसे पहले सुष्मिता, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने ग्रेजुएशन जो है वो कैसे, कब और किस तरह से कंप्लीट किया। ओके सर, माई सेल्फ सुष्मिता, आई एम 22 इयर्स ओल्ड हाँ जी। एंड आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू एंड आई एम फरीदा आई एम स्टे इन फरीदाबाद हरियाणा। ओके, ठीक है। तो सुष्मिता जो है वो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अब जो है हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। इन्होंने इग्नू के अभी एडमिशन के एग्ज़ाम दिए थे, है ना। इग्नू का फाइनल इनका कंप्लीट हो चुका है और ग्रेड कार्ड जो है अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, ठीक है। और फर्दर जो है ये आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए और पीजी वगैरह के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सुष्मिता ने अपनी जर्नी शुरू कैसे की। हाँ जी, तो पहले आप ये बताइए कि आपने इग्नू के बारे में ही क्यों सोचा, आपको क्यों लगा कि इग्नू जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए, ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया। सर, जैसे कि अब आप पूछ रहे हैं मेरे से कि इग्नू का मेरे को आइडिया कैसे आया, तो इधर कोविड में तो हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं था, मतलब स्टडी के लिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमें सब प्रोवाइड नहीं हो रही थी। और फिर साथ के साथ हम अदर कोर्स में भी ही अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, तो इग्नू मेरे लिए इसीलिए ही अच्छा था क्योंकि इग्नू से मेरी ग्रेजुएशन भी थी एंड अदर कोर्सेज हम हमारे एक साथ चल रहे थे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस दिन से मैं आपके चैनल से अटैच हुई हूँ, उस दिन से मुझे सच में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, क्योंकि जब मैंने आपका ये कमाई स्टडी चैनल को देखा था तो मुझे समझ में आया कि हाँ, यहाँ पर कोई तो है कम से कम के इग्नू को प्रेफर कर रहा है, इग्नू के लिए सोच रहा है। तो इसीलिए मुझे आपका चैनल और इग्नू से स्टडी करने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आपने प्रिपरेशन वगैरह आपने कैसे की। जैसे एग्ज़ाम, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले प्रिपेयर करते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था। नहीं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जिस दिन से मैं आपके चैनल से जुड़ी थी मुझे पता लगा, 1-2 दिन मैंने आपकी क्लासेस देखी कि आप किस तरीके से स्टडी करा रहे हैं, तो मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ से हम सिर्फ पास ही नहीं, अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी सी इतनी अच्छी थी, इतनी कंफर्टेबल थी, क्लासेस अच्छे से हो रही थी और मॉक टेस्ट लिए जा रहे थे और ऑनलाइन क्लासेस में हमारे डाउट्स होते थे वो भी आप क्लियर करते थे, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए सच्ची में बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने कभी कल पे डाला, परसों पे डाला या किसी पे भी डाला, नहीं, आप सारा का सारा साथ के साथ ही बताया है, ठीक है, तो ओके। इसीलिए मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को एट द टाइम नहीं होता, किसी से भी नहीं होता, इसीलिए आपकी रेगुलर रेगुलर आपने क्लासेस क्लासेस लगाई। लेते थे टाइम। हाँ बिल्कुल, रेगुलर रेगुलर लिए हैं, आपके मॉक टेस्ट भी लिए हैं, आपके डाउट्स भी लिए हैं, आपने हमारे भी डाउट्स लिए हैं, हमें क्वेश्चंस दिए हैं, वो साथ के साथ हमारे क्लियर आउट होते गए हैं। हाँ, अब जैसे एग्ज़ाम के दौरान आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं, है ना, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, और वो लगभग आपको काफ़ी टाइम पहले दे देता हूँ मैं, 1 वीक तक दे देता हूँ, ताकि आप लोग उसको बिल्कुल, प्रिपेयर कर लो। जो मॉक टेस्ट होते थे हमारे, तो उसके अंदर हमें 90% क्वेश्चन सेम मिलते थे। हाँ,
मतलब ऐसा होता था कि हमें इस वजह से कोई डिफिकल्टी नहीं आई एग्जाम सेंटर में बैठते हुए कि हमारा एग्जाम कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी क्योंकि हम क्वेश्चंस देखते थे, हम फटाफट लिखना स्टार्ट हो जाता था हमारा। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ओवरऑल इन शॉर्ट अगर कहें तो प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है ना। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर इग्नू में आप पढ़ रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, बिल्कुल तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सिलेबस कवर करो। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि सिलेबस कवर करो, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आओ, ठीक है। कुछ ऐसे महानुभाव हो जाते हैं कि भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सहारे जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है। सबसे पहले सिलेबस होना ज़रूरी है, उसके बाद बाकी चीज़ें कवर करो। इम्पोर्टेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी सर, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से वाकई में हम लोगों का कुछ नहीं होगा। अगर हमें एट द टाइम क्वेश्चन पेपर भी दे दिया जाए ना, तो भी हम उसको नहीं कर नहीं पाएंगे। कर अगर पाएंगे। हमें पता है कि हमें सिलेबस इतना दिया है कि हमें इतने टाइम में कवर अप करना है, तो हम वो कवर अप करेंगे। पहले सिलेबस कवर होगा, देन हमें जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं या फिर अदर क्वेश्चन मिल रहे हैं, देन उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। वरना एट द टाइम बहुत से मतलब थे ग्रुप में भी बच्चे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो, आप उनको भी कई बार बोला गया है कि स्टार्टिंग से आप क्लासेस लोगे तब भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी समझ आएंगे, हाँ जी नहीं तो ठीक। नहीं आने वाले। हाँ तो मतलब ओवरऑल प्लान किसी भी स्टूडेंट का यही रहना चाहिए कि सबसे पहले सिलेबस कवरेज एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी कि भाई काफ़ी जी सारे सर स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि प्रिपरेशन जो है वो तब शुरू करें जब हमारे पास बुक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो बुक्स के रिगार्डिंग भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को होती है कि भाई बुक्स आने के बाद ही प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं ये चीज बच्चों के लिए हाँ जी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जो इग्नू है, इग्नू ने स्टडी मटेरियल के लिए लिंक दिए हुए हैं। अगर आपके पास बाई चांस बुक नहीं डिलीवर हो रही है इग्नू के थ्रू, तो आप उस लिंक से बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं इन द पीडीएफ में, उसको हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने इग्नू से ही एडमिशन लिया है तो इग्नू ही हमें बुक प्रोवाइड करेगा। अब इग्नू बुक्स प्रोवाइड इतने सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को एक साथ प्रोवाइड नहीं कर नहीं कर सकता, सकता। तो इसीलिए इग्नू ने अपने लिंक्स बनाए हुए हैं स्टडी मटेरियल के लिए। तो वहां से बुक को डाउनलोड करो, देन स्टडी करें। हाँ जी ठीक है, ओके। तो ये सारा ब्लेम जो होता है बच्चों का, वो ठीक नहीं है इग्नू के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, ओके। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो आगे फर्दर आपका क्या प्लान है? सर आगे का मेरा फर्दर प्लान रहेगा कि मैं फिलहाल मैं बीएड कर रही हूँ इन स्पेशल, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्पेशल एजुकेटर बनूँ इन टीचिंग लाइन। ठीक है। और एज वेल एज मैं एमकॉम भी कर रही हूँ फॉर इग्नू। ओके ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आपने जो है तो मेरे लिए डबल बेनिफिट है कि ओके, ग्रेजुएशन भी मैंने आपसे किया है, देन एमकॉम भी मैं आपसे करूँगी। चलो थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, आपने समय दिया चैनल को और आपने एक अच्छा रिव्यू पॉइंट भी रखा बच्चों के सामने, हर वो कॉन्सेप्ट जो है वो आगे रखे हैं ताकि उनको भी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि भाई एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना कैसे है, कैसे चीज़ें जो है वो करनी है, ठीक जी है। सर हाँ जी, तो इसी के साथ सेशन को मैं एंड करता हूँ और नेक्स्ट बिल्कुल जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे और किसी और स्टूडेंट के रिव्यू पॉइंट जो है वो आपके सामने मैं रखूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।